असलम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ये फ़ोटो कुछ इस तरह का फ़ोटो बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का पिक्चर किस तरह आप एडिट करेंगे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं ये किस तरह बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना और फिर चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि यार आपका ही फ़ायदा तो मेरा ही फायदा है बिल्कुल। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेरा नाम मुबशर है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम मुबशर मिस्टर मुबशर टेक्निकल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस पिक्चर को ड्रैग करके लेकर आया, खींच कर यहाँ पर इसे को सट दिया, यहाँ पर सट दिया, ठीक है दोस्तों। आई एम सॉरी, पंजाबी बोल दी। तो सिंपली मैंने इसे जूम किया कंट्रोल प्लस से, और दोस्तों सबसे पहले मैंने इसका कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट लेयर बनाई, और बनाने के बाद बैक में गए और कंट्रोल एम किया, कंट्रोल यू, ठीक है। यहाँ पर आपने आना सबसे पहले येलो में, इसकी जो सेचुरेशन आप बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पर कलर में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगे आप दे सकते हैं, ठीक है। ओनली यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पर ग्रीन में आना है, और सेचुरेशन में जो आपने घटाना नहीं, यहाँ पर ओके आना है। फिर आपने फिर येलो में आना, यहाँ पर तकरीबन ओके, इतना करने के बाद आपने ओके प्रेस करना है, बटन प्रेस करना है, और जो इसकी पैंट वगैरह जो इसके हाँ फेस है, जो रंग आ गया ना, उसे आपने इस तरह से इस रेजर टूल की मदद से आपने आकर रिमूव कर लेना। ये देखें, काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं इसकी हैंड पर, कलर आ चुका है। यहाँ पर भी फेस पर भी कलर है, जहाँ जहाँ पर आपको कलर लगता है आप वहाँ से इजीली रिमूव कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपने फिर कंट्रोल ई करना है, फिर कंट्रोल जे करना है, फिर कंट्रोल यू करना है, आप फिर आपने यहाँ पर आकर येलो पर क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ से इतना ओके, फिर आपने जूम करना है, वैसा ही काम करना जैसे पहले बताया। तो इधर इस तरह आगे फेस रह गया हमारा। अब हमने फेस पर एडिट करना है, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल फिर जे किया, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल जे। तो इसका जो फेस बनाएंगे अब दोस्तों, यहाँ पर इसे ये देखने में काफ़ी ये डार्क एक्ने बहुत है, ठीक है। इसकी एक्ने ख़त्म कर सकते हैं हम इजीली इस टूल की मदद से। आपने दोस्तों जिस तरह मैं सजेशन कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह इसकी सजेशन कर लेनी है, ठीक है। फिर आना यहाँ पर, इतना करने के बाद आपने इसकी हैंड्स को भी सजेशन कर लेना, हैंड्स इतना करने के बाद दोस्तों आपने, अब आई एम सॉरी यार, ये फिर क्या हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कलर किया,
दोस्तों इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी भी सिलेक्शन कर लेता हूँ और फिल्टर में आता हूँ, फिल्टर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर आते हैं दोबारा फिल्टर में नॉइस, फिर यहाँ फिल्टर, ओके। तो फिर यहाँ फिल्टर तकरीबन हमारी यहाँ पर जो हमारा जो फेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त बन गया होगा दोस्तों। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है ना। कंट्रोल डी करें। अब क्या करना है आपने दोस्तों, आपने ये टूल लेना है और यहाँ पर आना है और इस साइज इसका कम कर लेना और साइज कम करना है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपने साइज बड़ा करना है और छोटा कर लें। आप देखिए प्लस पर क्लिक कीजिए, इस तरह से इसकी जो एक्नी है वो खत्म करनी है हमें। तो यहाँ पर ये फिल्टर दिया दोबारा, फिर हमने फिल्टर दिया यहाँ पर ये वाला, कंट्रोल डी किया, एक बार फिल्टर बैक किया, कंट्रोल डी किया, दोबारा फिर यहाँ पर आ गए हम। कंट्रोल बैक किया दोस्तों, कितना फर्क चल रहा है अब यहाँ पर पिक्चर की क्वालिटी में। अब देखेंगे यहाँ पर फेस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी मिल गई है इसकी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कर देंगे या कमेंट में भी चेक ना करें तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी मेरी जो वीडियो है आपको वो अच्छी लगी है। तो अल्लाह हाफिज़।